वायु। प्राण वायु ही ना हो तो तुम्हारा प्राण कैसे टिकेगा? वायु है, तुम सांसें ले रहे हो, तुम सो गए हो तब भी तुम्हारी सांसें चल रही है, और तुम्हारे शरीर में भी ये वायु पांच प्रकार से काम करती है, और उन पांचों वायु का नाम है अलग अलग, प्राणवायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान, पांच प्रकार की वायु है, और पांचों प्रकार की वायु तुम्हारे शरीर में अलग अलग काम कर रही है। ये सब हमारे शास्त्रों ने हमको समझाया। पंच प्राण है और पंच उपप्राण भी है, जैसे चार वेद है और चार उपवेद है, उसी प्रकार पंच प्राण है, पंच उपप्राण है। सबका शरीर में क्या क्या काम है, ये जो तुम खा रहे हो और वो जो सरकते हुए जाता है भीतर, पहुंचता है उंतड़ियों में आहार, उंतड़ियों में पहुंचने के बाद भी उसके पाचक रस उंतड़िया ले लेती है और उसको आगे धकेलती है, ये बिना वायु के नहीं हो रहा है, वायु के चलते ये काम हो रहा है। अंत में वह आहार जो तुमने खाया, उससे जो पोषण लेना है वो सब लेकर के, और फिर बचे हुए हिस्से को मल और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देना, ये भी वायु करती है काम। इन शॉर्ट, ट्रांसपोर्टेशन का काम है वायु का, लॉजिस्टिक्स पूरा देखती है। तुम्हारे दिल धड़क रहा है, शुद्ध अशुद्ध खून को शुद्ध करके और फिर उस खून को शरीर के अंग अंग तक पहुंचाने का काम वायु करती है। इवन ये तुम्हारी आंखों की पलकें जो उठती हैं, झुकती हैं, उठती हैं, झुकती हैं, ये काम वायु के चलते हो रहा है। सब अलग अलग प्रकार की वायु है और वो वायु जो हमारे यहां एकदम होशियार नाड़ी वैद्य होते हैं ना, वो नाड़ी देख करके थोड़ी देर में बता सकते हैं कि तुम्हारी वायु कहां पर इस वक्त, तुम्हारी नाड़ी किस वायु कहां पर चल रही है, प्राण में है, अपान में है, व्यान में है, उदान में है, समान में है। ये साइंस भारतीयों के पास हजारों वर्ष पहले से था। भारत को गुलामी ने खत्म कर दिया, गुलामी के सामने तो लड़ पाए, लेकिन फिर जो मानसिक गुलामी आ गई कि हमारा जो हो है वो सब बेकार है और विदेशियों ने हमको जो दिया वही श्रेष्ठ है, ये जो ब्रेन वॉश किया गया उसके चलते जो एक मानसिक गुलामी, और वो आज भी है इंडिया में। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना उसको और श्रेष्ठ माना जाता है, हाई सोसाइटी वाले लोग अंग्रेजी में ही बोलते हैं। अरे तेरी मातृभाषा बोल, अंग्रेजी सीख ले, ठीक है बोले, ठीक है हम संस्कृत सीखे हैं पर अंग्रेजी भी सीखे, लेकिन अंग्रेजी बोलने से मैं ऊंचा हो जाऊं और मेरी अपनी मातृभाषा में बात करूं तो मैं बैकवर्ड हूं, ये जो मानसिकता बनी ये उस गुलामी के चलते, और इसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया भारत को। ज्ञान का भंडार जिस भाषा में प्रकट करके विभिन्न ग्रंथों में रखा गया है वो भाषा है संस्कृत। एंड यू नो व्हाट, नाउ पीपल एक्सेप्ट दैट संस्कृत इज द मोस्ट कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द मोस्ट कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज इज संस्कृत। और कंप्यूटर की भाषा कौन है,
अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, चाइनीज, विच लैंग्वेज डज द कंप्यूटर नो? कंप्यूटर की भाषा कौन? कोई नहीं, केवल जीरो और वन, ये दो फिगर से ही पूरा कारोबार चल रहा है कंप्यूटर का, यही है ना, जीरो एंड वन। हमारे हमारे वेदांत की दृष्टि से मैं कहूं यदि, तो वन वो सगुण साकार ब्रह्म, जीरो निर्गुण निराकार ब्रह्म। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि जीरो की खोज भारत में हुई, एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स पीपल से दैट India's contribution to the world science is zero. And that's true. इस जीरो के चलते तो क्रांति हुई, जीरो के चलते क्रांति हुई।